क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। की ऑन हो गया, देखिए कंप्रेसर पूरी तरह से आउट हो गया। देखिए इजीली जा रहा है, हाथ से मार के दिखाओ। देखिए हाथ से भी जा रहा है, पर कंप्रेसर ही आउट हो गया, ऐसा कंप्रेसर ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। मैं जा रहा हूं दोस्तों, एक बाइक ख़राब हो गया है, पल्सर 150 है। कस्टमर ने मुझे कॉल किए थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है बोल के। बाइक तो क्या प्रॉब्लम है, चलो दोस्तों मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए वीडियो को एंड तक। हाँ दिख गया दिख गया। चलो वही पल्सर है भाई, चलो देखते हैं क्या हुआ है। यही है गाड़ी। थोड़ा डाउन है ना, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। की ऑन हो गया, इसका कंप्रेसर नहीं है दोस्तों। देखिए ठीक लगा रहे हैं, इजीली नीचे जा रहा है। देखिए कंप्रेसर डाउन हो गया है इसका, इसलिए स्टार्टिंग में ट्रबल है। देखिए ठीक मारो तो ठीक लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कंप्रेसर पूरी तरह से आउट हो गया है, देखिए इजीली जा रहा है, हाथ से मार के दिखाओ। देखिए हाथ से भी जा रहा है, पर कंप्रेसर ही आउट हो गया, ऐसा कंप्रेसर ही नहीं है। और गाड़ी कितना किलोमीटर चली वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 84,000 किलोमीटर चली है, शायद 84,000 किलोमीटर चली है यहाँ पे। इसका कंप्रेसर आउट हो गया, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसका जो इस साइड जो रहता है उसका तो टैफिट लूज करने से हो जाना चाहिए, इनलेट साइड का। देखते हैं निकाल के टैंक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी निकालना पड़ेगा, पेट्रोल तो आ रहा है। यार आगे इसका कनेक्शन को रोको, ये कनेक्शन है, इसको डिस्कनेक्ट कर दें। चलो उठाओ, साइड रखो। रुको रुको, फिर निकाल देते हैं पाइप। यस डेबिट करना, लगा बस आ चुका है टाइमिंग पे। चलो देखते हैं, फिट तो लूज है। लूज हो चुका है ट्रैफिक। चलो फिट लूज, तो लूज हो गया। लो बस चाबी, फिर भी कंप्रेसर नहीं है। देखो टाइफिड लूज कर दिए, फिर तो कंप्रेसर नहीं है। इसका इनलेट साइड का वाल्व पूरी तरह से कट चुका है इस साइड का, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। चौक दो, लेके जा रहे हैं, क्या करोगे? स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से बाहर अभी ऑटो जाना पड़ेगा। फिर देखिए धक्का देते हुए ले जा रहे हैं।
एक्चुअली में इसका क्या हो रहा है, उसका वाल्व खराब हो चुका है इनलेट साइड का, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। कंप्रेसर पूरी तरह से आउट हो चुका है दोस्तों, कंप्रेसर जो है पूरी तरह से आउट हो चुका है, कंप्रेसर ही नहीं है। उसका स्पार्क प्लग निकाले, उसके अंदर इंजन ऑयल भी डाल के देखे, फिर भी कंप्रेसर नहीं बन पाया। टाइफिड भी पूरी तरह से लूज कर दिए दोनों साइड का, फिर भी नहीं हुआ, क्या करेंगे। अभी लेके जा रहे हैं यहाँ से, 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 10-12 किलोमीटर। चलो देखते हैं और क्या करेंगे, ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा फिर इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ये इतना दूर ला चुके हैं और 0.5 किलोमीटर होगा, इस ज़्यादा दूर नहीं है। चलो पहुँच गए अपना गैरेज, यहाँ पे है देखिए, गाड़ी लगा रहे हैं, पहुँच चुके हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ है निकाल के। देखिए दोस्तों बाइक लेके आए हैं और उसके मैं आपको दिखाऊंगा, धक्का देते हुए लेके आना पड़ा, और ये वही पल्सर है आपको दिख रहा होगा देखिए, और कितना किलोमीटर चला है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 84,000 किलोमीटर चल गया दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसका इंजन खोलने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए 84,000 चल गया है, और अभी इसका हाफ इंजन का काम अभी तक नहीं किए हैं, तो फर्स्ट टाइम खोलने वाले हैं, हाफ इंजन का काम करने वाले हैं, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हाफ इंजन में खोल चुका हूँ, और इसका प्रॉब्लम कहाँ पे था वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए हेड निकल चुका है, इसका ब्लॉक लगा हुआ है, पिस्टन भी है, तो इसके अंदर कितना कार्बन जमा हो गया आपको दिख रहा होगा, कार्बन कितना डिपॉजिट हो गया देखिए पिस्टन के ऊपर, अब देख सकते हैं। इसमें धुआं तो नहीं मार रहा था, हल्का हल्का धुआं आ रहा था, उतना नहीं आ रहा था, इंजन ऑयल भी कम कम खा रहा था। इसका आप देख सकते हैं दोनों रोकर भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड का, हेड को दिखा देता हूँ देखिए, इस साइड जैसा है देखिए दोस्तों, हेड के ऊपर भी कितना कार्बन जम गया है आपको दिख रहा होगा, दोनों भाल के ऊपर में कितना कार्बन जमा हो गया आपको देख सकते हैं, डिपॉजिट हो गया है। और इसका जो कि इनलेट वाला जो भाल है, जो बड़ा वाला भाल है, वो कट चुका है अंदर में, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ज़्यादा करके पल्सर में यही प्रॉब्लम आता है दोस्तों, आपका बाइक में भी कंप्रेसर आउट हो रहा है या कंप्रेसर डाउन हो रहा है, तो आप एक बार टाइफिड को थोड़ा चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी बोर को खींच रहा हूँ, देखिए ब्लॉक को खींच रहे हैं, ब्लॉक निकल चुका है, पिस्टन अलग हो चुका है, ब्लॉक भी अलग हो चुका है आप देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा स्क्रैच नहीं आया है, पिस्टन में भी स्क्रैच नहीं आया है और ब्लॉक में भी दोस्तों स्क्रैच उतना नहीं आया है, लेकिन उसके ऊपर में ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो चुका है। और इसका जो रिंग भी है, रिंग भी नहीं दबा हुआ है, क्योंकि इसका जो ऑयल रिंग है वो भी मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, कोई कोई बाइक में क्या होता है वो चिपक जाता है, तभी धुआं ज़्यादा देता है दोस्तों। इसमें धुआं उतना नहीं आ रहा था, हल्का हल्का आ रहा था, वो भी ज़्यादा फुल थ्रॉटल देने से आ रहा था, ना के बराबर आ रहा था दोस्तों। और क्रैंक भी ज़्यादा प्ले नहीं है, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, उसका प्ले उतना नहीं है जितना प्ले रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए उतना नहीं है, ज़्यादा प्ले हो जाता है कोई कोई बाइक में, इसमें इसमें नहीं है, हल्का प्ले है, ज़्यादा नहीं है, चल जाएगा। और ब्लॉक को बोर करवा देंगे, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वाल्व निकाल रहे हैं, तो वाल्व का कंडीशन क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। वाल्व पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया है, खप गया है, यहाँ पे नहीं है, जो वाल्व पतला हो चुका है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पतला हो गया है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये पतला हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंप्रेसर लीकेज कर रहा था, ये जो वाल्व है वाल्व की वजह से कंप्रेसर लीकेज कर रहा था, और ये हो गया इनलेट वाला वाल्व है, बड़ा वाला वाल्व है आपको देख सकते हैं, और छोटा वाला वाल्व मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि उसमें भी क्या प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी उसमें ज़्यादा ख़राबी उतना नहीं है, लेकिन बड़ा वाला वाल्व का ज़्यादा करके प्रॉब्लम आता है, और इसका सीट भी ख़त्म हो जाता है। तो छोटा वाला वाल्व निकाल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए छोटा वाला वाल्व है, निकाल रहे हैं, निकल चुका है छोटा वाला वाल्व, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये दोनों वाल्व है, आप देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना कार्बन डिपॉजिट हो गया है, और इसका सीट भी ख़राब हो चुका है, सीट का भी काम करना पड़ेगा, गाइड सीट का काम करना पड़ेगा, चेक कर लेना पड़ेगा दोस्तों। तो और ये ख़राब हो चुका है वाल्व, ठीक है, तो इसको पूरा क्लीन करेंगे, और ये जो वाल्व है वाल्व चेंज होने वाला है, गाइड सीट का काम होगा दोस्तों, उसके बाद पिस्टन भी नया लगेगा,
और बोर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों, ये दोनों को भेजना पड़ेगा।